अमरीकी लॉबी अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा बजरिया बिल पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर 22 सेनेटर्स ने बिल पेश किया है जिसमें तालिबान पर पाबंदियां लगाने और उनका साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। फारूक साहब जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये और ख़ासकर ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं जो ये बिल लेके आए हैं और मैं हैरान हूँ कि ये रिपब्लिकन ये चीज़ भूल गए हैं कि अभी बिल्कुल चंद महीने पहले ये पाकिस्तान था जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में अपना अमेरिकन गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट था हमने आउट ऑफ द वे जाकर उसको फैसिलिटेट किया था और हमने जिसकी वजह से उनको एक फेस सेविंग एग्जिट मिला अपना अफगानिस्तान से। अब जब स्केप गोट करने का वक्त है, बताइए कि अपने गिरेबान में झांकी और वहां पे अकाउंटेबिलिटी करें जब उनके जनरल खुद कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था, ये जंग हमने हारी है। तो पाकिस्तान की ये ज्यादातर इस पे पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है और मुमकिन है सैंक्शंस की बात की है इस बिल में। मैं जो समझता हूँ ये बात बड़ी क्लियर है कि एक बुनियादी बात समझे कि अमरीका हैज ऑलवेज बीन एक अनरिलायबल अनट्रस्टवर्दी और अनग्रेटफुल पाकिस्तान का सो कॉल्ड एलाय रहा है और 2-3 मरतबा पाकिस्तान पे उन्होंने सेंक्शन भी लगाई है जब कभी हमने उनकी लाइन टो नहीं की और जब कभी हमारे उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं किए। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी लाइन टो नहीं कर रहे, हम उनको बेसिस नहीं दे रहे, एब्सोल्यूट नॉट की बात हो रही है। हम सर जंगी मैदान में जरूर अमरीका को शिकस्त हुई होगी लेकिन जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान की उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट आ रहा है। 173 को ऑलरेडी डॉलर हो चुका है, रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि 180 तक जा सकता है। तो हमने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की हुई थी कि ये इम्पैक्ट तो आएगा ऑब्वियसली हमारे ऊपर। जी देखिए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अगर अमेरिका को क्लियरली कह लें हम आपकी जंग में हम शामिल नहीं होंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे, हम उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को अपने नेबर के खिलाफ, तो लिहाजा उसका रिएक्शन तो आएगा और ये अब आ रहा है। आप देखेंगे कि FATF में भी अमेरिका जो है ये हमें अपोज करेगा, IMF हमारी आर्म टेस्टिंग करेगा। अमेरिका हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाए तो इकोनॉमिक मिलिट्री सैंक्शन भी लगाए जिस तरह माली में। पाकिस्तान के पास कोई प्लान भी है या हम यही सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमने सिर्फ यही सोचा हुआ था कि डूबेंगे सर? नहीं जी, बात यह कि पहले भी सैंक्शन अगर लगी हैं इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन, हमने उनको बर्दाश्त किया है। मेरा ख्याल है हमने एज अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इस तरह का मुश्किल वक्त आ सकता है, लेकिन अभी हालात बदल गए। अभी CPAC इज अ गेम चेंजर। चीन के साथ हमारे जो रियल सुपर पावर तो चीन है, उनके साथ हमारे ऑल आउट इकोनॉमिक और डिफेंस ताल्लुकात है रूस के साथ। सर इकोनॉमिकली तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है सर, कैसे हम इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन देखें आगे जो जिस तरह मैं ये नहीं कहता हूँ हम अमेरिका के साथ कुछ जंग करें, हमने अमेरिका के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है, उनको हमने डिप्लोमेटिकली एंगेज करना है, उनको बावर करना है, समझाना है कि ये आपकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ ये पॉलिसी माजी में तो चल गई थी अब भी चलेगी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इस खत्ते में और सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गई है और प्रेमेश्वर पाकिस्तान सब आर्मी चीफ बाधा उनको समझा रहे हैं कि जनाब अब हम वी आर गोइंग टू बी पार्टनर्स इन पीस, हम किसी जंग में शामिल नहीं होंगे, तो अमेरिका को हमें समझाना है। और CPAC पे चीन के साथ CPAC की बात कर रहे हैं, वजीर आजम साहब तो CPAC की स्लो प्रोग्रेस का एतराफ कर रहे हैं सर। देखिए स्लो प्रोग्रेस नहीं, CPAC चल रही है, ग्वादर ऑपरेशनलाइज हो गया, वांट ट्रांजिट ट्रेड भी चल रही है, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी अल्हम्दुलिल्लाह अब CPAC को इस्तेमाल करेंगे, रूस भी बीच में शामिल हो जाएगा, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमरीकी समझते हैं कि अब वो हालात नहीं है पाकिस्तान के वाले। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया।